भिवंडी शहरामध्ये कोणत्याही ठिकाणी पार्किंग नाही आहे असे असताना सुद्धा वाहतूक विभागाचे ठेकेदार लोकांच्या वाहन उचलून घेणे, त्यांच्याकडून दंड आकारणे असे चालू आहे। आधी शहरात पार्किंग दाखवा, मग नंतर गाडी उचला असे आरोप करत शिवसेना प्रणित न्यू हिंदुस्तान कामगार सेना ठाणे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप बोडके सोबत अनेक शिवसैनिक पदाधिकारी व कार्यकर्ता यांनी भिवंडी महानगरपालिका आयुक्त तसेच भिवंडी वाहतूक विभागांना निवेदन देऊन मागणी केली। म्हणणं एवढंच आहे का, तुम्ही पार्किंग दाखवा साहेब, भिवंडी शहरामध्ये पार्किंग दाखवा आणि नो पार्किंग दाखवा। पार्किंगचाही बोर्ड नाही, नो पार्किंगचा बोर्ड नाही। आज गरीब माणूस, काम करणारा वर्ग 80% लोन काढून तो गाड्या घेतो, 200-300 तो प्रत्येक वेळा भरतो, किती वेळा भरणार साहेब? आमची विनंती एवढी आहे पत्रामार्फत का, तुम्ही पार्किंगचे बोर्ड लावा, त्या पार्किंगमध्ये गाड्या न्याया लागले गाडी, या बाजूला फोल्डर, या बाजूला फोल्डर, त्या फोल्डरच्या मध्ये मी गाडी लावली तर माझी गाडी मधनं उचलली, मला एवढंच बोलायचं आहे। मग फोल्डरला अलग कायदा आणि टू व्हीलरला वेगळा कायदा आहे का? मग फोल्डर तुमच्या बस स्टँड पासून तर कोर्टा पासून तर तुमच्या तहसीलदार पासून सगळे फोल्डर रोडला उभे असतात, लाईनची सरास पण अहो सगळ्या गाड्या सरास असतात साहेब रोडला उभे एकदम। आता पण तुम्ही दाखवून समस्या हे पूर्ण जनता का है, भिवंडी शहर और ग्रामीण पूरा जनता का विषय है। आज हमारे वाहतूक पुलिस के कर्मचारी और उनके सहकारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, वो लोग भिवंडी में जहाँ भी गाड़ी दिखी वो उठाते, जहाँ भी गाड़ी दिखी। हमने आयुक्त को एक विनंती किया है कि जो बस स्टैंड से लेके जहाँ भी ब्रिज है, ब्रिज के नीचे सैंडविच की गाड़ी, भेलपुरी की गाड़ी, कपड़े की गाड़ी, चने की गाड़ी, ये सब लगती है, वो चलता है। लेकिन जो हमारे नागरिक वन टाइम टैक्स भरते हैं उनके लिए पार्किंग किधर है? महापालिका के आयुक्तों का हमने ये बताया तुमने पूरा ब्रिज खाली कर दो, हम पुलिस आयुक्तों को वाहतूक से निवेदन देंगे कि वो ब्रिज खाली होने के बाद तुम उधर पार्किंग करो, जो गाड़ियाँ लगती है उनकी पार्किंग वहाँ करो। उनको हम निवेदन के माध्यम में ये भी लिखे पुलिस आयुक्तों को, एक तो तुम पार्किंग का बोर्ड लिखाओ, पार्किंग का बोर्ड नहीं है, नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है, यहाँ भी गाड़ी देगी उठाओ, लाखों रुपए कमाने का बिजनेस चालू किया इन लोगों ने, ये चलेगा नहीं। कि आज काम धंधा करने वाला आदमी, होटल में काम करने वाला आदमी, रोड पे काम करने वाला आदमी, जो मजदूर है, जो गाड़ी अपने काम से लेके आता कहीं भी लगाता है तो 200-300 रुपये फाइन लेते हैं, ये क्या फुकट का पैसा आया क्या? तो भी तुम पार्किंग दिखाओ। हमारे लोग जो गाड़ी खरीदते, लोन पे गाड़ी खरीदते, गरीब 80% कामगार वर्ग है तो वन टाइम टैक्स भरते हैं, तुमको पार्किंग पहले दिखाओ, हमारा ही मांगनी है, उसके बाद तुम गाड़ी उठा सकते हो। तुम्हारा पार्किंग ही नहीं है तो गाड़ी उठाने का अधिकार किधर आया तुमको? ये हमने मांगनी की है। आपका शुभ नाम और क्या? हम लोग शिवसेना न्यू हिंदुस्तान सेना कामगार सेना के पदाधिकारी है। मैं ठाणे जिला अध्यक्ष है, हमारे उप जिला अध्यक्ष है आलम अंसारी, हमारे शहर सचिव राजे पुण्यार्थी साहब, हमारे सूरज ठाकुर संपर्क प्रमुख है, हमारे उप शहर अध्यक्ष तेजे साहब है, हमारे शेटे साहब विभाग अध्यक्ष है, हमारे उप घैसा साहब उप विभाग अध्यक्ष है, उप शहर अध्यक्ष मोकाजी साहब है, हमारे शहर अध्यक्ष बंटी गिरी है। हम लोग सब मिलकर आयुक्त को मिले, अभी पुलिस आयुक्त को मिलने वाले। अगर ये तो ये पब्लिक के लिए हम मांगनी कर रहे हैं। आज पब्लिक बहुत त्रस्त है, हमारा कोर्ट हो गया, तहसील हो गया, वहाँ पे लोग अपने अपने हैरानी परेशानी में गाड़ी लगाते हैं, कुछ ना कुछ मुद्दा लेके आके वहाँ से भी गाड़ी उठा। इन लोग कभी पार्किंग नहीं दिखाए, बोर्ड नहीं दिखाए तो हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इनके ऊपर पुलिस केस करेंगे, इनको कोर्ट में खींचेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग आंदोलन भी करेंगे। थैंक यू। सुख का विषय, जनता का विषय ये। राजेंद्र जगन्नाथ पुण्यर जी, मैं हिंदुस्तान कामगार सेने का शहर सचिव हूँ। हम लोग यहाँ इसकी के लिए आए कि भिवंडी वाले जो भिवंडी के नागरिक है या भिवंडी तालुका के लोग आते हैं, ग्रामीण से खेड़ेगा के लोग आते हैं, वो ये गाड़ी उठाने में त्रस्त हो गए। समझो हम लोग काम है, कोर्ट में काम है तो कहीं चाह पिलाने को जाएंगे, 10 रुपये का चाह, 300 रुपया दंड, गाड़ी उठाई जाए तो उठा नहीं कि तो तुम उठाओ ना। आज मुंबई में थाना में गाड़ी क्यों उठाई जाती है? तो हम तो पार्किंग जोन रहता है, यहाँ पे पार्किंग जोन रहता है, पार्किंग जोन में पार्किंग नहीं है, गाड़ियाँ उठाई पार्किंग जोन नहीं है। आयुक्त साहब से हमने महानगर पालिका आयुक्त साहब से यही रिक्वेस्ट की कि भाई आप ब्रिज से हमारे बुर्के साहब के पता है ब्रिज से यहाँ तक कोई
ऐसा पे एंड पार्किंग करो, जैसे महानगर पालिका में उत्पन्न भी चालू होएगा और पुलिस की भी तकलीफ कम हो जाएगी और नागरिक को भी तकलीफ कम हो जाएगी। अगर ये नहीं हुआ तो इसके खिलाफ शिवसेना बड़ी आंदोलन। ओंकार सेना थाने जिला प्रदेश, हम लोग आए यहाँ पे निवेदन देने किसी भी साहब को, इतनी तकलीफ कोर्ट यहाँ है, प्रांत ऑफिस यहाँ है, DCP ऑफिस यहाँ है, समझो भिवंडी के लोग तो तकलीफ में ही है, अदर पड़गा सापुर वगैरह वगैरह जो भी लोग आते इतनी तकलीफ है। ये लोग गाड़ी उठा उठा के लाते और इतनी धांधली करते, दादागिरी करते। प्राइवेट आदमी है वो पूरा पूरा पेपर इंश्योरेंस है क्या, PUC है क्या, ये नहीं है ते नहीं, इनको अधिकार क्या है, इनको क्या अधिकार है पेपर मांगने का? ठीक है, हमारे साहब बैठे RTO वाले पुलिस बैठे, वो करना चाहिए, हम उनके लिए नहीं बोल रहे, वो करना चाहिए, हमारे सहकारी है सहकार करते हैं, पर ठीक है प्राइवेट आदमी को अधिकार के 8-8, 10-10 आदमी की गाड़ी, 2 गाड़ी पर डे चलती है, किधर पार्किंग नहीं, समझो बाहर से लोग आए, इतनी तकलीफ है, ये क्या करते हैं? ठीक है टोचन चार्ज 200 रुपया प्लस इंश्योरेंस नहीं है, PUC नहीं है, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये ले ले रहे लोग, इतनी तकलीफ साहब, हम लोग जवाबदार लोग, हमको जनता आके बोल रही है, हमारे सब कर्तव्य, हम यहाँ तक आए और हमको न्याय मिलना चाहिए, ऐसे अपेक्षा करते साहब।